हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हो आप सब? और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप ग्लोइंग स्किन पा सकते हो, वो भी बिल्कुल 15 टू 20 मिनट्स में। सो गाइस, प्लीज़ आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना समय गवाएं आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को चीज़ बताने वाली हूँ कि आज के इस वीडियो में मैं 3 स्टेप फॉलो करूँगी जो कि आपने भी फॉलो करनी है, और उसके बाद आपकी जो स्किन है ना वो बिल्कुल ग्लोइंग दिखेगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। So, चलो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये कुछ इंग्रेडिएंट यूज़ करके दिखाऊंगी। ये पहला जो है वो है हिमालय का प्यूरिफाइंग नीम फेस वॉश, जो कि आपके पिंपल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इन केस आपको बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही जल्दी पिंपल आ जाता है तो आप इसको अप्लाई ज़रूर किया करो, क्योंकि ये फेस वॉश बहुत ही अच्छा होता है। आपकी स्किन के जितने भी गंदगी है, जितना भी डलनेस है, वो सबको रिमूव करके आपकी स्किन बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो मुझे जब पिंपल होता था टीनेज के टाइम पर, तो मैं यही यूज़ करती थी और बहुत ही अच्छा माना जाता है ये। तो सबसे पहले हम इसको यूज़ करेंगे। तो स्टेप्स हमको कुछ फॉलो करना है। फिर हमारे पास नीम स्क्रब है एंड वी हैव नीम फेस पैक। तो ये 3 प्रोडक्ट के साथ हम आज करेंगे फेशियल और आप ग्लोइंग स्किन पा सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं फेस को वॉश करने के लिए, तो सबसे पहले गाइस मैं अपने हेयर को टाई अप कर लूँगी। सो गाइस, मैंने अपने हेयर को टाई अप कर लिया और उसके बाद मैं ये बैंड पहन लूँगी, जो कि फेशियल करने से पहले आपको पहनना चाहिए, ताकि आपके हेयर पे या हेयर लाइन पे आपके क्रीम कोई सा भी ना लगे, जिससे आपके बाल कभी ख़राब ना हो। सो हमने अच्छे तरीके से पहन लिया है एंड नाउ आवर फेस इज़ गुड। नाउ आई एम गोइंग टू वॉश माई फेस विथ हिमालय प्यूरिफाइंग नीम फेस वॉश। सो मैं इसको वॉश करूँगी। तो ज़्यादा क्वांटिटी में हमको नहीं लेना है, पी अमाउंट में ही बस लेना है। तो मैं इतना बस क्वांटिटी मैंने यूज़ किया है। सो गाइस, मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है हिमालय नीम प्यूरिफाइंग फेस वॉश से। एंड हमें अपने फेस को कभी भी रब करके नहीं पोंछना चाहिए, ड्राई अप वैसे नहीं करना चाहिए, बिल्कुल स्लोली। हमारे फेस की जो स्किन होती है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। सो लाइक दिस वे हमें अपने फेस को ड्राई अप कर लेना है। नाउ अब हम यूज़ करने वाले हैं हिमालय नीम फेस पैक स्क्रब, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो ये स्क्रब हम अब यूज़ करेंगे, ये इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है, जो कि पिंपल्स को रोकता है और पिंपल होने के साथ साथ जो पिंपल का जो स्कार छोड़ जाता है उसको भी वो रोकता है, और आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो जाती है। तो इसको हम यूज़ करेंगे। तो इसको भी हमें ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ नहीं करना है, अपने फेस के साइज़ के अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो मैंने इतना क्वांटिटी में लिया है। एंड आप चाहो तो इसमें डाबर का कोई या फिर कोई भी कंपनी का, कोई लोकल कंपनी मत लेना बस यार, थोड़ा सा आप इसमें गुलाब जल अगर आप डालते हो और फिर स्क्रब करते हो, तो जो आपकी जो स्किन की जो पोर्स होती हैं उसके अंदर गुलाब जल और नीम का जो भी पार्टिकल्स है वो सारा जा करके आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। उसका जो रिएक्शन होता है उसी के कारण आपके फेस पे ग्लो आता है और आपकी फेस बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखती है। सो अब हम स्क्रब करेंगे। सो गाइज, आपको स्क्रब जब भी करना होता है तो रगड़ रगड़ के कभी नहीं करना होता, ये आपकी स्किन है, आप ही की त्वचा है, ठीक है? तो आपको इसका अच्छा केयर करना होगा, कोई ऐसे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, बिल्कुल प्यार से करना है। तो इसमें हमने थोड़ा सा अमाउंट में वाटर यूज़ किया, ज़्यादा अमाउंट पर नहीं यूज़ करना है। एंड देन आपको कुछ इस तरीके से रब कर लेना होता है लाइक दिस वे। एंड नाउ फेस के कुछ इस तरीके से लगाना, अप्लाई करना होता है। नाउ दिस वे आपको अपनी स्किन पर स्क्रब करना है। नोज पर मोस्टली ब्लैक हेड्स जम जाते हैं, वाइट हेड्स आ जाते हैं। हमने दोबारा थोड़ा से पानी लिया और इसके बाद इस तरीके से मिक्स किया।
अब ये थंब लाइन से हमें यहाँ पे स्क्रब करना है इस तरीके से। इस तरीके से आपने स्क्रब कर लेना है। ब्लैक हेड्स हो जाते हैं आपको, तो डार्क सर्कल्स के ऊपर भी आपको करने हैं। पूरे फेस पे आपको कुछ इस तरीके से ही करने हैं गाइस, जैसे मैं कर रही हूँ। नाउ इट्स ऑलमोस्ट डन। उसके बाद हमने स्क्रब कर लिया है अपनी फेस को, हम अच्छे तरीके से ड्राइन अप कर लेंगे सेम प्रोसेस से। स्क्रब करने के बाद आपको मेरे फेस पे थोड़ा सा ग्लो नज़र आ रहा होगा गाइस, क्योंकि मुझे तो अपने स्क्रब करने के बाद बहुत ही ज़्यादा ग्लो दिख रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ दिस विच इज़ हिमालया नीम प्योरीफाइंग फेस वॉश, जो कि नॉर्मल टू ऑयली स्किन सबके लिए अच्छा होता है। एंड इसे मैं बहुत बार यूज़ भी कर चुकी हूँ। ये सारा जो चीज़ है, ये तीनों प्रोडक्ट आपको एक पैक में मिल जाता है। तो ये मैंने सारा जो है अमेज़ॉन से ही परचेज़ किया था। आप चाहो तो बिग बाज़ार से या कहीं से आपको अगर अवेलेबल होता है तो आप यूज़ कर सकते हो। तो हम वापस फेस पैक को थोड़ा क्वांटिटी में ले लेंगे, ठीक है। एंड थोड़ा सा वाटर, एक से दो ड्रॉप इसमें मिक्स कर देना है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई इस तरीके से, नोज़ पे आपको लगा के स्प्रेड करना है। इस तरीके से आपको फेस पे अप्लाई कर लेना है और 10 to 15 minutes, जब तक ये अच्छे तरीके से ड्राई अप ना हो जाए, आपको फेस को वॉश नहीं करना है। सो आपको थोड़ा पेशेंस इसमें रखना पड़ेगा। सो मैं मिलती हूँ आपसे 15 minutes के बाद। तो 15 minutes तक आप क्या करोगे इसको अप्लाई करने के बाद? अब आप हमारी वीडियोज़ देख सकते हो, हम बहुत ही अच्छी वीडियोज़ पोस्ट करते हैं, तो वहाँ पर आप वीडियोज़ देख सकते हो। तो मैं मिलती हूँ आपसे 15 minutes के बाद। बाय। 15 to 20 minutes पूरे हो गए हैं एंड ये थोड़ा ड्राइन अप हो चुका है। और अब मैं इसको वाइप अप करने वाली हूँ, मतलब रिमूव करने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा टाइट हो गया है ये, एंड बोला नहीं जा रहा है। तो गाइस, मैंने अपने फेस को कम्प्लीटली वॉश कर लिया है एंड अब मैं इसको वापस से पोंछने वाली हूँ, वाइप अप करने वाली हूँ। एंड उसके बाद मैं आप लोगों को अपना फेस दिखाने वाली हूँ। सो गाइस, मैंने अपने फेस को कम्प्लीटली अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है एंड अब मैं इसको भी रिमूव कर दे रही हूँ। सो गाइस, अब आप मेरी फेस देख सकते हो। सो गाइस, हम आ चुके हैं बाहर और अब आप मेरी फेस को देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्लो आ चुका है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको ग्लो आ चुका है मेरे फेस पे और आपको भी बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा अगर आप अप्लाई करते हो हिमालया का ये तीनों फेस पैकेट, हिमालया नीम फेस वॉश, हिमालया नीम फेस स्क्रब और हिमालया नीम फेस पैक। तो इन तीनों को अगर आप इसी तरीके से यूज़ करोगे जैसा मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, तो आपको भी बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। सो गाइज़, प्लीज़ इस वीडियो को
आपने लास्ट तक देखा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर बजाइएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर करिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।